Myself Seduddin Mannan. Today we will discuss about standard 6 science chapter number 5 separation of substance. In previous video we will discuss about three methods sedimentation, decantation and filtration. तो sedimentation हमने देखा था कि जो heavier और lighter particle को separate करना है means जो mixing हो चुका है water के अंदर तो क्या होगा heavy particle जो हमारे downside बैठ जाएंगे तो ये हम क्या बोलते हैं method को हम sedimentation अपर साइड वाला जो प्योर इम्प्योर जो वाटर है उसको हमें सेपरेट करना है ठीक है या प्योर वाटर को हमें सेपरेट करना है किसी और बाउल के अंदर उसको हम डिकेंटेशन बोलेंगे और उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज हमारी रह गई थी मींस काफ़ी सारी स्मॉल स्मॉल तो उसको हमने क्या फिल्टर से हमने उसको सेपरेट किया क्या अब जो डिस्कस हम करने वाले हैं इवोपरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एड ए टू स्पूंस ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ वाटर कैन यू सी एनी सॉल्ट इन अ बीकर आफ्टर स्टर्निंग हीट एंड बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर लेट वाटर बॉइल अवे एंड वॉट इज द लेफ्ट इन द बीकर मीन्स हमने देख हमें क्या करना है टू स्पून हमें लेना है टू स्पून हमें क्या करना है सॉल्ट के लेना है उसको एक बीकर के अंदर जो वाटर हमने फिल किया वो उसके अंदर हमें क्या करना है डालना है उसके बाद उसको हमें क्या करना है स्टर करना है अब स्टर करोगे तो आपको ना सॉल्ट दिखाई देगा वाटर आपको दिखाई देगा लिटिल बिट आपको वाटर का जो कलर है थोड़ा बहुत आपको स्लाइटली वाइटनेस दिखाई देगा बट आप नॉर्मली आप देखोगे तो वाइट मतलब जो नॉर्मली जो कलर है वही आपको दिखाई देगा अब हमें क्या करना है कि उसको हमें वहाँ से क्या करना है रिमूव करना है उसको हमें क्या करना है अब रिमूव करना है अब कैसे करोगे अब आपको ना डिकेंटेशन से होगा ना फिल्टरेशन से होगा ना सेडिमेंटेशन से होगा अब हम क्या करेंगे उसको हम क्या करें हीट कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे हीट करने से क्या होगा आपको पता है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा 100 सेल्सियस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा स्लोली स्लोली इवोपरेट होना स्टार्ट होगा मतलब वाटर वहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी जो बचेगा बीकर के अंदर अपना क्या होगा सॉल्ट का इन दिस एक्टिविटी वी यूज प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन द सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन मीन्स जी प्रोसेस हुई वाटर में से वेपर बनने की जो प्रोसेस हुई ये उसको हम क्या बोलेंगे इवोपरेशन दिस इज अ वेरी वेरी मोस्टली मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इंटू वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वैन एवर वाटर इज प्रेजेंट वेर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम अब ये तो हमने क्या किया उसको हमने ये कंटिन्यूसली क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारी कंटिन्यूसली स्टार्ट ही होती है जैसे आपने रिवर में देखा होगा अभी अभी मानसून चला तो रिवर के अंदर काफ़ी सारा वाटर होगा बट जैसे जैसे हमारा समर आएगा विंटर आएगा तो स्लोली स्लोली उसमें से कम होता जाएगा वो क्या हो रहा है इवोपरेट हो रहा है और क्या हो रहा है इवोपरेट बट आप सोचोगे ये सॉल्ट कहाँ से आ रहा है हमने देखा होगा कहीं सुना होगा सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट वन ऑफ दी सॉल्ट इन द कॉमन सॉल्ट when sea water is allowed to send is Ceylon pits water gets heated by the sunlight and slowly turn into the water vapor through the evaporation in the few days the water evaporate completely leaves leaving behind the solid salt common salt is then obtained from the mixture of salt by further purification means आपको पता है कि ये जो salt जो है वो कहाँ से हमारा आता है वो जो salt है वो हमारे sea में से आता है या हमारा जो ओशन है ठीक है उस वहाँ से आते तो वो क्या करते तो उसके बाहर जैसे कि ये सी है ठीक है उसके नज़दीक में मतलब जहाँ पर वो ख़त्म हो रही है वहाँ उसके नज़दीक ऐसे चौंसले जो हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं चौंसले जो बोलते हैं उसको हम यहाँ पर इंग्लिश वर्ड आपको दिया हुआ सैलो सैलो पिट्स मीन्स ऐसे बॉक्सेस बनाते क्या बनाते थे उसके बॉक्सेस ऐसे बनाए जाते बॉक्सेस बनाएंगे तो जब हमारी ओशन में से जब लहर जब आएगी तो उसके अंदर क्या हो गया पानी फिलअप हो जाएगा क्या होगा ऐसे ये बॉक्स टाइप ऐसा हमारे यहाँ ना बॉक्स टाइप ऐसे बनाया जाता है उसके अंदर वाटर फिलअप हो गया अब वाटर क्या होगा आफ्टर सम डेज वो वाटर क्या होगा स्लोली स्लोली सनलाइट ऊपर गिरने से इवोपरेट हो जाएगा इवोपरेट होगा तो अब जो बचा ये जो हमारे बॉक्सेस है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्ट के सॉलिड पार्टिकल्स है सैंड है स्टोन है सब कुछ मिक्सअप है सब कुछ क्या है मिक्सअप है अभी तो मुझे प्योर सॉल्ट चाहिए अभी तो ये मिक्सिंग है अब उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ से उसको यहाँ से कलेक्ट कर उसको क्या कर दिया जाता है उसको आगे सेपरेट करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है फर्स्ट यहाँ पर क्या हुआ इवोपरेट हुआ अब हमने पता था सी वाटर के अंदर सॉलिड सॉल्ट के
पार्टिकल्स थे, तो वो पार्टिकल्स कहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारे सरफेस पर, मीन्स यहाँ पर हमारे सैंड पर। अब उसको फर्दर प्योरीफिकेशन के लिए हम आगे भेजेंगे। अब देखो सॉल्ट हमारे होम में आ रहा है, तो कितने मेथड्स हो रही है। तो यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ऐसा नहीं है कि हमने सेपरेशन मेथड देखी तो सभी के अंदर एक ही होगी। तो कुछ सेपरेशंस करने के लिए आपको काफ़ी सारे मेथड्स होगी, कुछ सेपरेशंस के लिए आपको वन मेथड से भी होगा, कुछ सेपरेशन के लिए आपको टू थ्री मेथड्स भी यूज़ होगा। तो ये यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। वी हैव स्टडी सम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सर, ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशियंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सर, इन सच अ सिचुएशन वी नीड यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। क्या है, मिक्सर जो होगा तो मिनिमम हम एक मेथड से नहीं कर सकते, समटाइम्स आपको टू चाहिए, थ्री चाहिए, फोर चाहिए, जिस तरह की हमारा मिक्सिंग है उस तरह से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी सेवन आपको दिया हुआ है, वही चीज़ है। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ वी विल सेपरेट दिस, ऑलरेडी सो द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने देखा कि जैसे हमने ओशन में से या सी में से जो वाटर हमने सैलॉन के अंदर जो लिया था, वाटर क्या हुआ, रिमूव हो गया, और सॉल्ट पार्टिकल्स सैंड पार्टिकल्स मिक्स है, उसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद अब उसको हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते, थ्रेसिंग से नहीं कर सकते, विनोविंग से नहीं कर सकते, तो किसे करेंगे हम, तो कीप द मिक्सर ऑफ बीकर एंड एडेड सम वाटर ऑन इट, लीव्स द बीकर असाइड फॉर सम टाइम्स, डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन इन द बॉटम, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंडेशन और फिल्ट्रेशन, व्हाट डज द डिकेंडिंग लिक्विड कंटेनर कंटेन, मीन्स हम क्या करें, अब ये जो मिक्सर है सैंड, हमारे पास क्या है, सैंड और सॉल्ट का मिक्सर है। अब हम क्या करेंगे, अब एक बीकर के अंदर ये दोनों मिक्सर को हम डाल देंगे। अब दोनों मिक्सर के अंदर डालेंगे, तुम्हें पता है कि भाई सॉल्ट है वाटर के साथ क्या डिजॉल्व हो जाएगा, मीन्स वो मिक्स हो जाएगा, बस सैंड है वो क्या होगी, मिक्सिंग नहीं होगी। तो सैंड क्या होगी, वो अब ऐसे ही मिक्सर डाला हो तो सैंड हमारी डाउन साइड ऐसे यहाँ पर बैठ जाएगी। अब ये क्या हुआ हमारा, ये फर्स्ट डिकेंडेशन हो गया। अब डिकेंडेशन हो गया, अब ये जो वाटर है वाटर के अंदर तो क्या है, सॉलिड सॉल्ट के पार्टिकल्स है और वाटर भी, ये दोनों मिक्सर है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम डिकेंडेशन या फिल्ट्रेशन से उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो आया सेकंड कंटेनर के अंदर, वो वाटर प्लस सॉल्ट का है, अदर जो इम्प्योरिटीज थी वो क्या हो गई, यहाँ पर हमारे रिमूव हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नाउ वी नीड अ सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंडिंग लिक्विड, ट्रांसफर दिस लिक्विड कैटल एंड क्लोज इट लीड, कैटल मीन्स हमारी जो चाय के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, इटली जो बोलते हैं कैटल बोलेंगे उसको, हम क्या कैटल के अंदर डाल दो ये वाटर जो मिक्सर था सॉल्ट एंड वाटर वाला, उसको हम लीड से मतलब उसके ढक्कन से हम उसको बंद कर दो। अब उसको हम क्या करना है, हीट करना है, हीट द कैटल फ्रॉम सम टाइम्स, डू यू, अब कैटल्स को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, नॉट ए स्टीम कम आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल, स्पाउट मतलब उसकी जो बाहर आने की जो माउथ जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ जो बोलते हैं, उससे क्या होगा वो इसका उसमें से वो क्या होगा, वो बाहर वो हमारी इवोपरेट होकर वो बाहर आएगा, वाटर क्या होगा इवोपरेट होकर इसका फिर स्टीम आपको दिखाई देगी। टेक अ मेटल प्लेट सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउ द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन इन फिगर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट अस वाटर इन द कैटल बॉइल ऑफ, व्हेन द स्टीम कम इन टू कंटेंट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विथ आइस, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स अ लिक्विड वाटर, द वाटर ड्रॉप्स ऑन द अदर फिल फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, द ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इन टू लिक्विड इज फॉर्म्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन, मीन्स अब क्या हुआ, अब जो ये उसके माउथ में से अब हमारी स्टीम बाहर आ रही है, तो हमें एक प्लेट के ऊपर क्या करना है, एक आइस कैसे पीसेस रखना है, ठीक है, एक प्लेट लिया हुआ है, प्लेट के हमने ऊपर क्या आइस के पीसेस, अब जो यहाँ से हमारी जो स्टीम आई किससे टच होगी, ये हमारी प्लेट से टच होगी, इस तरह से हमें प्लेट का क्रॉस में हमें रखना है, उसके एक साइड हमें क्या रखना है, इस तरह से बीकर, अब ये जो स्टीम होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कूल होगी तो वो क्या होगा, स्लोली स्लोली वो कन्वर्ट होगी, अब ये गैसेस फॉर्म में थे, स्टीम फॉर्म में थे, वो किस में कन्वर्ट होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, हमने क्या किया उसका स्टेट चेंज किया, सॉलिड में से लिक्विड में से गैसेस, हमने क्या, ये गैसेस फॉर्म है, गैसेस फॉर्म को हमने क्या कूल किया, कूल करने से क्या होगा हमारा लिक्विड फॉर्म है, तो ये जो हमने कन्वर्जेशन किया
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इंटू लिक्विड इज फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये जो कन्वर्जेशन हुआ, हमने जो फर्स्ट इवोपरेशन में क्या देखा, लिक्विड में से गैसेस में गए, वाटर कन्वर्ट इंटू वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। एंड वाटर जो इवोपरेट जो हुआ है, मीन्स वेपर में से हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। अब जो होगा, अब किटली का लीड अब ओपन करोगे, ये लीड अब ओपन करोगे, किटली के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ सॉल्ट दिखाई देगा और ये वाटर क्या था जो मिक्सर था वो हमारे आउटसाइड के बीकर में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, डिड यू एवर सीन द वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर द प्लेट एंड हैज़ बीन यूज कवर्ड ऑफ वेसल्स कंटेनिंग मिल्क एंड जस्ट बीन बॉयल्ड। मीन्स हमने कभी देखा होगा हमारे होम का, जब बॉयल कोई चीज़ हम करने के लिए रखते हैं, या मिल्क है या कोई भी चीज़, अब देखना गर्म वाटर करने के लिए, पानी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम गर्म रखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ढंक दे देते। अब जैसे उसको रिमूव करोगे ऊपर वाला जो हमारा, उसमें अब देखना वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ऐसे जो हमने लीड्स जो हमने कोई भी चीज़ डाला है तो उस पर के वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देगी। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो कंडेंसेशन आपको दिखाई देगा। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवोपरेटेड व्हेन इज लेफ्ट बिहाइंड द कैटल्स वी हैव द सेपरेट सॉल्ट सैंड एंड वाटर। अभी हम ये अभी जो हुआ बीकर में जो होगा प्योरली हमारा वाटर होगा, और कैटल के अंदर हमारा क्या होगा, ये हमारा फुल्ली हमारा सॉल्ट होगा। तो ये हमने क्या सेपरेट सॉइल और सॉल्ट को हमने क्या क्या सेपरेट किया, विथ वाटर हमने क्या क्या सेपरेट किया। तो हमने यहाँ पर देखा डिकेंडेशन भी किया, फिल्ट्रेशन भी किया, इवोपरेशन भी किया और कंडेंसेशन भी किया। तो अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो सॉल्ट हमारे होम में जो आ रहा है 5 रुपीज़ kg, 10 रुपीज़ kg या 20 रुपीज़ kg, उसको ये 4 मेथड से पास कर उसको हम हमारे होम तक पहुँचता है। ठीक है, ये 4 मेथड मीन्स हमने क्या हमारा टॉपिक ही था, 1 more method यूज़ कर सकते हैं। या तो अब कोई भी सेपरेशन के लिए आपको मोर देन 1 method आपको यूज़ करना ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते, पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल द रिमूविंग द सॉल्ट मिक्स विद सैंड, द सी हैज़ मिक्स अ पैक ऑफ सॉल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, दिस टाइड द मेथड ऑफ सजेस्टिंग एक्टिविटी 7 टू रिमूव द सॉल्ट फाउंड हाउएवर द सी वुड कवर द ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट एंड हैंड टेकन, वॉट कुड बी गोइंग रॉन्ग। मीन्स हमने क्या यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ वो कर रही है, तो क्या हुआ, तो ये हम काफ़ी सारे मेथड्स की उसमें से भी क्या हुआ उसके अंदर वो उसको पास नहीं होता। आपको ये सब मेथड है ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है, आप करना है। और एक और चीज़ हमें बाकी है हमारा जो है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वो ऊपर वाला पार्ट भी हमारा आ जाएगा। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।